क्या हुआ, कुछ भूल गई थी क्या? भूली नहीं, बस आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बहुत हिम्मत करके आपके पास आई हूँ, आप बस मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अब पूरे इवेंट ये सोचती रही कि आपसे ये बात करूँ तो कैसे करूँ या रहने ही दूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। एक्चुअली अम्मी अब वे बहुत परेशान हैं, तो मैंने सोचा मैं ही आपसे बात कर लेती हूँ। ऐसी क्या बात है? एक्चुअली मेरे घर वाले नाजिया के वीज़ा के लिए बहुत अपसेट हैं। उनको इस बात पे डाउट है कि उसका स्पाउस वीज़ा लगेगा भी कि नहीं। बात यह है कि बाहर से जब भी कोई लड़के आते हैं, ज़्यादातर आपको पता है कि कितने हाथ साथ ऐसे होते हैं, बाहर उन्होंने शादी की होती है और पाकिस्तानी लड़की को यहीं छोड़कर चले जाते हैं, और दूसरी बीवी की वजह से कभी भी ये वाली बीवी वहाँ जा ही नहीं पाती। बस अम्मी अबू को भी सिर्फ यही खदशात है। अगर इतने ही खदशात थे तो निकाह क्यों किया उन लोगों ने? पहले ही इनकार कर देते ना इस रिश्ते से। कैसे इनकार कर देते, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। नाजिया आपी का जो भी रिश्ता आता था, लोग मुंह पे इनकार करके चले जाते थे। ऐसे में उबैद का रिश्ता कोई गनीमत से कम थोड़ी था। आप लोगों ने जैसा कहा अम्मी अबू ने कर दिया। अब उन लोगों को यही फिक्र सताई जा रही है कि कहीं उनकी बेटी पूरी जिंदगी उनके दहलीज में न बैठी रहे और उनका शोहर बाहर आराम से अपनी जिंदगी गुजारता रहे। देखिए मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मैं तो बस अपने माँ बाप की परेशानी शेयर कर रही हूँ आपसे। आई होप आप मेरा मकसद जरूर समझेंगी।